हेलो दोस्तों, आइए करते हैं अनबॉक्सिंग आज इस प्रोडक्ट की। यह है एक्सपी पेन, एक्सपी डेको पेन प्रो मीडियम साइज। तो आइए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो देखिए, यह है एक्सपी पेन डेको प्रो मीडियम साइज। ये मैंने ऑनलाइन टीचिंग के लिए या वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए लिया है। अगर देखते हो तो आपको इसमें पीछे डिटेल्स भी दिख जाएंगे, इसके स्पेसिफिकेशंस। काफी बड़ा है साइज में, इसे बाद में अनबॉक्स करेंगे। इसे साथ में आता है एक पेन, देख सकते हैं। ये एक पेन, एक नीब, दो पुश बटन, और इसके रिवर्स साइड में अगर आप ओपन करते हैं तो आपको मिलेंगे अराउंड 8 नीब्स, जैसे आपको यहां से दिख जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे, इसमें एक बीच में होल है, उस होल का यूज करके हमें नीब रिप्लेस करनी होगी। तो पेन को भी साइड में रखते हैं। डेटा केबल या चार्जिंग केबल, बेसिकली डेटा केबल, ताकि इस टैब को आप आपके लैपटॉप से, मैकबुक से या मोबाइल से कनेक्ट कर सके। ये माइक्रो यूएसबी टू टाइप सी है। और शायद ये रहेगा कुछ पेपर वर्क। हाँ ओके, पेपर वर्क के अलावा बाकी भी कुछ चीजें हैं। ओके, ड्राइंग करते वक्त या कुछ स्केच करते वक्त एक स्लीव, जिससे पाम रिजेक्शन करने में हेल्प हो, या स्वीटी पाम्स हो तो उसके जैसे होने वाला प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। और साथ में आते हैं दो OTG डिवाइसेस लाइक कन्वर्टर, USB टू टाइप सी एंड USB टू माइक्रो USB। तो आप देख सकते हैं कि डिवाइस काफी प्रीमियम है, मेटल बॉडी है, एल्यूमिनियम बॉडी। साइज भी इसका काफी बड़ा है, आपका A4 साइज का पेज होता है उस हिसाब से। एक सेकंड, मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। एक A4 साइज का पेपर है, तो A4 साइज के पेपर से थोड़ा सा बड़ा। और साथ में इसमें 8 कीज भी दी हुई है। 8 कीज आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग शेप की। इसका क्लिक भी काफी प्रीमियम फील होता है। और यही एक पैड, ये एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने प्रो वर्जन सिलेक्ट किया है। अदरवाइज इसके सस्ते में भी, इससे सस्ता भी एक डिवाइस था इसी कंपनी का, जिसमें 8 कीज और ये टच एरिया था, बट ये रोटर नहीं था। रोटर और ये टच, जिसकी वजह से आप ड्रॉइंग करते वक्त, जैसे एक हाथ से आप ड्रॉइंग कर रहे हो और एट द सेम टाइम आपको कभी आपके पेन की नेप की साइज, थिकनेस कम या ज्यादा करनी हो या जूम इन जूम आउट करना हो, तो जैसे कि साथ से अगर मैं लिख रहा हूँ तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे जेस्चर यूज कर सकता हूँ, जेस्चर या रोटेट या एनीथिंग। तो अभी इसे मैं कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करके देखूंगा। तो ये हुआ अनबॉक्सिंग।
तो देखने से कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं केबल की लेंथ भी काफी ज्यादा है, 1 मीटर से तो ज्यादा ही है, लगभग शायद से 1.5 मीटर, 1.5 या 2 मीटर के आसपास। मैं ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि मैं इसे मैकबुक के साथ यूज कर सकूँ। सिमिलरली आप विंडोज और एंड्रॉइड के साथ में भी इसको यूज कर सकते हो। तो आइए देखते हैं, मैं इसके ड्राइवर इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग एक बार ट्रायल भी लेके देखेंगे कि कैसा होता है। और विदाउट ड्राइवर मैंने जब कनेक्ट करके देखा तो अभी कुछ एक्सेस तो नहीं हो रहा है, बट अगर मैं पेन को इस पर होवर करूँ, इसे ऊपर ऊपर घुमाऊं, तो कर्सर भी मूव होता है हमारे लैपटॉप का, बट कहीं पे मैं क्लिक या राइट क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखते हैं ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद फिर से चेक करते हैं। हमने ड्राइवर इंस्टॉल कर लिए और अभी मैंने और कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करते हुए ड्राइवर जस्ट इंस्टॉल किए, सारे सेटिंग को डिफॉल्ट रखा है और जस्ट टेस्ट कर रहा हूँ। और इसमें ये जो 4 या 8 फंक्शन है, इसके लिए कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट किए, आप चाहो तो कस्टमाइज करके अपने हिसाब से फंक्शन दे सकते हो। मैंने इस रोलर पे जूम इन जूम आउट दिया हुआ है और साथ ही साथ ये जो बीच का पोर्शन ब्लैक है, ये एक टचपैड की तरह काम करता है, ताकि काम करते वक्त अगर आपका हाथ आपके लैपटॉप तक या माउस तक ना जा सके तो यहाँ पे हैंडी फील होगा। और अभी मैंने और कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज ना करते हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन किया है और उसमें हम लोग ड्रॉ में जाके ब्रश अगर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक बटन है इरेज का, ये मैं यूज कर रहा हूँ। साथ ही साथ ये जो अपर बटन है, इसको पुश करके मैं इरेजर ऑन कर सकता हूँ। एक बार पुश करने पे इरेजर ऑन होता है और अगले बार में पेन। अगर मुझको कोई भी डायग्राम ड्रॉ करनी है एक्सप्लेन करने के लिए, कलर सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर सक रहा हूँ। कोई ग्राफ ड्रॉ करना है, उसको कोई सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो नीचे बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट स्क्रीन पे देख के ये काम कर सकते हैं। मैं जनरली इन्वेस्टमेंट या टेक्निकल से रिलेटेड टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैं उसी तरह की कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर मोटर या फाइनेंस को कोई ग्राफ, तो मैं वही सारी चीजें फर्स्ट टाइम में ट्राई कर रहा हूँ। तो मेरे यूज के हिसाब से मैं तो सारी चीजें चेक कर रहा हूँ, मैं एक बार इरेजर यूज करता हूँ। हाँ, इरेजर भी काम कर रहा है। एनीवेज, तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन है, मैं इसको और कस्टमाइज करूंगा, थोड़ा हैंड्स ऑन लूंगा तो मुझको भी पता चलेगा इसमें और कौन कौन से फीचर है, बट अभी के लिए दैट्स माय सेटअप। अगर मुझको कुछ भी ऑनलाइन पढ़ाना है, सिखाना है, तो मैं ये पेन टाइप यूज करने वाला हूँ। इसका नाम है एक्सपी पेन डेको प्रो मीडियम साइज। सो दैट्स इट गाइज। वैसे अगर आप में से कोई लेना चाहते हो तो शायद से उसके लिए प्लीज कुछ वीडियो। तो दैट्स इट गाइज, दिस अक्षरा का साइनिंग ऑफ। थैंक यू।